तो दोस्तों इसको ट्रेड कैसे करना, देखिए यहाँ पे 15 मिनट का जो पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था वहाँ को रिटेस्ट करने के लिए आया। इससे पहले देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड का लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ पे जो स्विंग लो बना था उसका भी लिक्विडिटी ले लिया, तो दोनों का लेके फिर वापस देखिए ऊपर का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाया, देखिए बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस लो लो बना रहा है और RSI देखिए हायर लो बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कन्फर्म हो गया अपना ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अपना ये पहला ट्रेड बना, यहाँ पे जो रिटेस्ट करने के लिए आया ना, जैसे आया रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक देखिए अपना जो पहला वाला ये जो स्विंग हाई बना हुआ था ना, यहाँ तक अपना टारगेट हो गया, ये अपना फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे फिर वापस एक सेकेंड ऑर्डर और लगाया, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर है, इसमें SL छोटा सा है और फिर देखिए टारगेट यहाँ तक आया, इसका भी टारगेट यहाँ तक आया, यानी दो ऑर्डर इतनी देर में लग गए, तो आराम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, समझ गए ना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे SMC ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, क्योंकि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है, उसके बिना अपन ट्रेड नहीं ले सकते दोस्तों, समझ गए ना। सपोज मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट क्या करेगा, लोअर लो लोअर हाई, समझ गए ना, ये वाला फॉर्मेट बनता रहेगा, समझ गए। तो मार्केट का डाउन ट्रेड है और ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए ना, ये वाला पूरा का पूरा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट अगर रिवर्स होता रहा तो वहाँ पे एक ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बनता है दोस्तों, ये वाला मेन यही होता है दोस्तों, जब भी मार्केट अगर बेरिश है तो वहाँ से बुलिश कन्वर्ट होगा तो ये पॉइंट को ब्रेक करेगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बुलिश है और बुलिश से वापस बेरिश होगा तो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे को ब्रेक करना पड़ेगा तभी जाके ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी अब डाउन ट्रेंड में तो ये समझ लिया आपने, अगर अप ट्रेंड हो तो हायर हाई बनता जाएगा और यहाँ पे हायर लो बनता जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया, बस मार्केट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया ना, उसके बाद में दूसरा काम होता अपने को ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। दूसरा काम होता अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना, मेन काम वही होता दोस्तों। अगर ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड आउट कर लिया ना तो उसके बाद आपको मतलब मार्केट में कोई नहीं रोक सकता, आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे आप। तो इसके लिए क्या दोस्तों, सपोज ये मार्केट, सपोज आपने 15 मिनट पे चार्ट को टाइम फ्रेम 15 मिनट पे कर रखा है आपने, तो 15 मिनट में सपोज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगाया SMC ने, समझ गया ना, ये जो एरिया है यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या करना दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो आपको चार्ट फ्रेम को, चार्ट का जो टाइम है ना उसको 1 मिनट पर कन्वर्ट कर लीजिए आप। 1 मिनट पर कन्वर्ट करने के बाद में जब भी यहाँ पे आएगा ना वापस 1 मिनट पे, जो अपना एरिया यहाँ पे होता है सपोज आपने पहले ही सेलेक्ट करके रख लेना है, यहाँ पे जैसे आए ना दोस्तों यहाँ पे कोई टच करके, हो सकता है यहाँ पे ऊपर से भी घूम सकता है या हो सकता है इसके अंदर भी आ सकता है, तो यहाँ पे जैसे कोई बेरिश या बुलिश कैंडल बने ना, बेरिश कैंडल बन के उसको बुलिश कैंडल ये क्रॉस करना, क्रॉस करने के बाद में वही अपना एंट्री पॉइंट हो जाता है दोस्त, समझ गए ना, वहां पे अपने को बुलिश ऑर्डर लगा देना, समझ गए ना। और टारगेट जो पहले वाला जो स्विंग हाई है ना 1 मिनट में देख लेना, वही अपने को टारगेट रखना है। और इसके लिए दूसरा इंडिकेटर एक यूज करेंगे दोस्तों, जो RSI होता है, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर होता है दोस्तों, इसको टेक्निकल एनालिसिस में यूज करता है, उससे हमारे को क्या ओवर बोल्ट और ओवर शॉर्ट का मालूम चल जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, वो बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों, मैं बताऊंगा आगे चार्ट में। इतना देखिए आप जब भी इसको प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद में देखना आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, समझ गए ना। तो ये तो मेन पॉइंट हो गया। अभी देखिए दोस्तों अगर सपोज बुलिश ट्रेंड चल रहा है और ये वाला अपना 15 मिनट का स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अभी 1 मिनट में बनेगा ना दोस्तों, ये वापस यहाँ पे आता ना, अभी ये बना तो अभी 1 मिनट पे इसको देखिए, जैसे ये वाला पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, जो ये पॉइंट है ना ये बना हुआ, अब 1 मिनट पे क्या करेगा दोस्तों, ये वापस ऐसे जाके ऊपर जाएगा, फिर नीचे एक बार जरूर आएगा लेने के लिए, जो ये पॉइंट बनाता है तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए जरूर आता है, समझ गए ना, तब भी जाके वो वैलिड इसका लो कंफर्म होता, नहीं तो नहीं होता। अगर सपोज ऐसे चला जाता ना तो वो नहीं होता दोस्तों, वापस बीच में लिक्विडिटी लेना मेन पॉइंट होता है SMC का। जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा दोस्तों वो वाला जो लो और हाई बनता है ना वो उसका वैलिड नहीं होता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ये जो बनाते हैं ना दोस्तों, तो ये ऐसे ट्रेप करते हैं। सपोज ये 1 मिनट पे चल रहा है, अभी देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ऐसा 1 मिनट पे चल रहा है, ये इसने एक लो बनाया फिर ऊपर गया फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आ गया फिर ऊपर जाएगा, तो अभी अपना ये वाला लो वैलिड नहीं होगा दोस्तों, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले लिया, समझ गए ना, इसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो
यहाँ से ये लेके फिर ऊपर निकलेगा तब जाके ये वाला लो अपना कंफर्म होगा, समझ गए ना। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है ऐसे, समझ गए ना, तो वापस ये जाके ऐसे ये जो लिक्विडिटी होता है ना इसको लेके नीचे जाएगा, तो इनका बेरिश ऑर्डर यहाँ पे लगेगा, समझ गए ना। वो चाहे कौन सा भी टाइम फ्रेम हो दोस्तों, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, तो ये वाला फॉर्मेट जरूर बनता है। ये वाला जो पैटर्न है ना ये हर जगह बनता है दोस्तों, और बुलिश ऑर्डर लगाना तो यहाँ पे लगेंगे, समझ गए ना। ये पैटर्न आपको जहाँ भी मिल जाता है ना दोस्तों, वहाँ पे आपको ट्रेंड मालूम है, अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो ऐसा जैसे ही पैटर्न बने ना आप बाइंग का ऑर्डर लगा दीजिए, समझ गए ना। चाहे वो 1 मिनट पे बने, 5 मिनट पे बने, 15 मिनट पे बने, 1 घंटे पे बने, डेली पे बने, तो ऐसा जो भी पैटर्न बनता है ना वहाँ पे आप बिंदास होकर बाइंग करिए। क्योंकि एसएल भी होता तो बहुत छोटा सा होता दोस्तों, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, बहुत छोटा सा एसएल होता है और टारगेट बहुत बड़ा मिल जाता अपने को। तो दोनों साइड में आपको क्लियर हो गया कैसे एंट्री करना करके, अपना वही पैटर्न ढूंढ के अपन एंट्री करेंगे। क्योंकि इसका दो तीन तरीका होता दोस्तों इसका, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक तो मैंने ट्रेन लाइन का आपको पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था, ये ट्रेन लाइन ब्रेक करके फिर वापस ऊपर भाग जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों का ये बुलिश ऑर्डर होता है, समझ गए ना, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही बेरिश का हो जाता है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना बस, जैसे बेरिश ट्रेंड ये चल रहा है, मैं एक बार इसको भी बना के दिखा देता हूँ आपको। बेरिश ट्रेंड ये चल रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, और ये ऐसे ब्रेक करके फिर नीचे चला जाएगा। एक तो ये ट्रेन लाइन होता है इसको भी ब्रेक कर देगा, एक ये वाला होता है ना इस जो अपना पहले वाला स्विंग है इसको भी यहाँ से भी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे चला जाएगा। तो ये पैटर्न ढूंढना अपने को, और कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट यही होता है इनका, एसएमसी का। अगर ये आपने ढूंढना चालू कर दिया ना, उसके बाद देखो आपका कैसे, मतलब कैपिटल आपका ग्रो होगा कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा दोस्तों, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट और निफ्टी का है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर लगाया बुलिश ऑर्डर, और वापस देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद में फिर वापस गया। देखिए ये जो वाला है ना, ये देखिए आपको यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया इस कैंडल के ऊपर, इसने ये जो कैंडल बना है ना इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक लगाया, और ये वाला देखिए हाई है ना, इसको तोड़ा नहीं है, समझ गए ना। तो इससे पहले इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, फिर बाद में 1 मिनट पर कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, समझ गए ना। ये जो एरिया ना यहाँ पर देखिए, ये लो बना हुआ है, इस लो को तोड़ा नहीं है इसने, समझ गए ना, ये वाला। तो अभी आपको 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे करना है, और आरएसआई भी आपको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट पे करता हूँ, उसके बाद में मैं आरएसआई लगाता हूँ, समझ गए ना। अभी मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको पहले। ये डेट कौन सा, ये देख लीजिए, यहाँ पे 20 जुलाई का है ना, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 20 जुलाई का है। तो अभी मैं इसको 1 मिनट पर कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने 1 मिनट पर कन्वर्ट कर लिया इसको, देखिए जो पहले यहाँ पे, यहाँ से अपन लोगों ने जो 15 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक लगाया था इन लोगों ने, ये एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था, आपके सामने किया। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट यहीं पे होता दोस्तों इनका क्या, एक तो जब 1 मिनट पे होता ना तो आरएसआई से हमको कन्फर्म करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट होता ना ये वाला, ये देखिए ये पॉइंट है और ये वाला ये पॉइंट है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है, समझ गए ना। यही मेन पॉइंट ढूंढना अपने को। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे देखिए आरएसआई वापस यहाँ पे, मतलब लो ब्रेक नहीं किया इसने, हायर लो चालू कर दिया, समझ गए ना। और प्राइस अभी भी लोअर लो पे है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे लोअर हायर लो बना दिया, समझ गए ना। तो यही डाइवर्जेंस देखना, ऐसे ही आप बुलिश में भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने ऑर्डर लगाया वापस, हमारे को पता कैसे चलेगा दोस्तों, हमारे को पता चलेगा दोस्तों, जो ये कैंडल जब ये ऑर्डर ब्लॉक लगता है ना, तो बड़ा कैंडल बनना दोस्तों ये ना, और इसको इम्बेलेंस मूव भी बोलते हैं दोस्तों। इम्बेलेंस का मतलब, ये जो फर्स्ट कैंडल ये वाला होता है ना, सपोज ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगाया तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड ये हो गया। अभी इम्बेलेंस बोले तो ये वाला जो फर्स्ट कैंडल था और ये वाला थर्ड कैंडल है, तो इसके बीच का जो गैप होता है ना दोस्तों वही इम्बेलेंस होता है, समझ गए ना। और इसके अंदर मार्केट इंट्राडे में जरूर आता है दोस्तों वापस रिटेस्ट करने के लिए। हो सकता है कभी सुपर बुलिश होता तो नहीं आता, वो बाद में कभी भी ये पूरा पेंडिंग ऑर्डर रहता है तो बाद में इसको लेने के लिए जरूर आता है। हो सकता है एक दिन आता है, 2 दिन भी लग जाता है, लेकिन आता जरूर है, समझ गए ना। तो वही मेन पॉइंट होता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए इसने हाथों हाथ वापस नीचे आके ये दूसरा ऑर्डर जो भी पेंडिंग ऑर्डर था यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे इसने वापस देखिए यहाँ पे बुलिश ऑर्डर वापस लगा दिया। तो यही अपने को आइडेंटिफाई करना दोस्तों, समझ गए ना, इसके बिना कुछ नहीं करोगे। ये है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर लगाया इन्होंने, फिर दूसरा देखिए यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, तो ये पैटर्न चलता रहेगा दोस्तों आगे से आगे। बस यही ध्यान रखना अपने को, और कुछ नहीं रखना, ये आगे से आगे ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे लगाया फिर उन लोगों ने, तो ये ऊपर से ऊपर चलता रहेगा पैटर्न, बिल्कुल बनता रहेगा ऑर्डर ब्लॉक।
और अपने को जो अनमिटिगेटेड, ये ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना। सपोज यहाँ से गया ना, तो ये वाला तो अभी मिटिगेटेड हो गया, वापस जो ये बड़ा कैंडल बनाना है इसको टच कर दिया, वापस रिटेस्ट कर दिया, तो ये वाला अनमिटिगेटेड नहीं रहा, अभी ये मिटिगेटेड हो गया। अभी दूसरा वाला ये है ना, ये वाला अभी अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बचा, समझ गए ना। ये वाला जब भी यहाँ पे वापस आता ना, आपको ऑर्डर ब्लॉक मतलब पुलिस ऑर्डर लगा देना दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऐसे आप सेम बेरिस में जो होता है ना उसमें बस कर ध्यान सकते ये हो। रखना दोस्तों कि आप जब भी ट्रेड करते हो ना, तो एनालिसिस करते हो ना, तो 15 मिनट के ऊपर करना, समझ गए ना। और 15 मिनट के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक लगा रहता है ना, उस रेंज को आप मार्क कर लीजिए, यानी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना, 1 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट करना उसको, चार्ट को, समझ गए ना। उसके बाद में RSI इंडिकेटर लगाना, जैसे हमने लगाया। ये 3 बातों का कंफर्म होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना दोस्तों, समझ गए ना। तो उसमें क्या अच्छा खासा पैसा कमाओगे दोस्तों। उसमें SL बहुत छोटा रहता है दोस्तों, अगर SL हो भी जाए बाई चांस कभी कभी, बहुत छोटा SL होता है और टारगेट बहुत बड़ा होता है दोस्तों, ये समझ लें, ये ध्यान रखनी है। अभी अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना, तो दोस्तों कैसे लेंगे, मेन पॉइंट वही होता है ना दोस्तों। तो अपना जो रेंज ये दोस्तों सिलेक्ट किया हुआ था पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये इतना बड़ा ही था ना, 1 मिनट में 15 मिनट वाला, वापस जैसे हम लोगों ने इसको इतना बड़ा, ये अपना 15 मिनट वाला रेंज है, समझिए ना। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए बात को, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो मैं आपको टूल्स भी लगा के दिखा देता हूँ, ये लॉन्ग पोजिशन है। तो अभी क्या करना दोस्तों, ये बड़ा कैंडल बन जाता है तो हम लोगों को मालूम नहीं चलता, समझिए ना। तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना दोस्तों, समझिए ना। यहाँ पे जब भी वापस आता है ना मार्केट रिटेस्ट करने के लिए, उसी टाइम में अपने को एंट्री करना है, समझिए। यहाँ पे आपको एरिया, जो एरिया बनाना है ये वाला, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक का, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अंदर जब भी आता है ना, आप ऑर्डर ले सकते हो बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे आके, देखिए यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, समझिए ना। यहाँ पे जैसे ही ये बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग गया, बुलिश ऑर्डर। और SL तो ये इतना है, ये आपको 1 मिनट में इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन टारगेट आप बहुत बड़ा देखिए दोस्तों, टारगेट आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से लूँगा आपको, यहाँ से मैं RSI को एक बार छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए टारगेट बहुत बड़ा मिला इंट्राडे के अंदर ही आपको। देखिए यहाँ से तो और भी बड़ा लीजिए, यहाँ पे लगभग यहाँ से देखिए 5.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला दोस्तों। बस ध्यान यही रखना दोस्तों, आपको सबसे पहले 15 मिनट पे एनालिसिस करना, उसके बाद में आपको 1 मिनट पे कन्वर्ट करना चार्ट को, उसके बाद में RSI इंडिकेटर लगाना, और जहाँ पे ये ऑर्डर लगा रहता है ना, वहाँ पे देखना अगर RSI का डाइवर्जेंस बन रहा है दोस्तों, यही मेन पॉइंट होता है दोस्तों। RSI का डाइवर्जेंस बन रहा है तो आपका ट्रेड कन्फर्म है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 100% सक्सेसफुल हो, समझ गए ना। बस दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज ये आप ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बुलिश ऑर्डर लगा है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर लगने के बाद में वापस रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता है। तो जो ये ऑर्डर ब्लॉक लगा रहता है ना, उसके एरिया में अपने को ऑर्डर ब्लॉक लगा के छोड़ नहीं देना। या तो आप अगर चार्ट पे बैठ रहे तो आपको टेंशन नहीं, आराम से देख के लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आएगा ना 1 मिनट पे, आप ऑर्डर बुलिश ऑर्डर लगा दीजिए। देखिए दोस्तों कभी हो सकता है कि यहाँ से टच करके वापस ऊपर चला जाए, हो सकता है कि कभी यहाँ से थोड़ा रुक के फिर ऊपर जाए, तो ये ध्यान रखना। और इसके साथ में आपको RSI को जरूर कंबाइंड करना, तभी जाके ट्रेड लेना, बस इतना ही ध्यान रखना, वो कुछ नहीं है, समझ गए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।